नेक्स्ट टॉपिक इज फर्स्ट एड. व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड इज द इमीडिएट हेल्प गिवन टू अ पर्सन हु गेट्स इंजर्ड और फॉल्स इल. जब भी कोई पर्सन एकदम से उसको चोट लगती है या वो बीमार हो जाता है, तो ऐसा तो नहीं करते ना हम कि सीधा उसको हॉस्पिटल ले जाते हैं, नहीं ना, हम सबसे पहले घर पे उसको चोट लगती है तो डिटॉल लगाते हैं या बैंडेड लगाते हैं. अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको घर पे ही कुछ मेडिसिन वगैरह देते हैं. तो जो भी हम इमीडिएट हेल्प देते हैं, जब भी कोई पर्सन को चोट लगती है, तो उस हेल्प को, उस इमीडिएट हेल्प को व्हाट डू वी कॉल? फर्स्ट एड. ओके. नेवर ट्राई टू गिव फर्स्ट एड टू एनीबॉडी इफ़ यू हैव नॉट लर्नड हाउ टू डू इट. अब हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसमें आपको फर्स्ट एड के बारे में बताया जाएगा कि आपको फर्स्ट एड कैसे देनी है. ठीक है, जब तक आपको नहीं पता कि फर्स्ट एड कैसे देते हैं, तो कभी भी आपको ट्राई नहीं करना चाहिए. ओके. इफ़ समवन गेट्स इंजर्ड और फॉल्स इल, कॉल एन अडल्ट इमीडिएटली. जब भी किसी बच्चे को चोट लग जाती है, वो बीमार हो जाता है, तो हमें बड़ों को उसी टाइम बुलाना चाहिए. ओके. नेक्स्ट इज मेक द पर्सन सिट कम्फर्टेबली और लाई डाउन. सबसे पहले उसको कम्फर्टेबली बिठाओ या लिटा दो, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन ही इज फेसिंग. ओके. डू नॉट लेट पीपल क्राउड अराउंड द इंजर्ड पर्सन. जिसको चोट लगी है उसके आसपास लोगों को ज़्यादा इकट्ठा नहीं करना चाहिए, ओवर क्राउडेड नहीं करना चाहिए. डू नॉट मूव अ पर्सन हु इज सीरियसली इंजर्ड. जो बहुत ज़्यादा, अगर पैर में मोच आ गई है, एकदम से एंकल मुड़ गया है, सीरियसली इंजर्ड अगर हो गया है कोई भी पर्सन, तो हमें उस पर्सन को मूव नहीं कराना. ठीक है, उसको एकदम से रेस्ट कराना. अगर हम उसकी मूवमेंट करेंगे तो उसको ज़्यादा चोट हो सकती है. ओके. नाउ वी विल डिस्कस कि जो माइनर कट्स होते हैं, जो छोटी मोटी चोटें लग जाती हैं, जो छोटे मोटे वुंड हो जाते हैं, तो उसमें हम फर्स्ट एड कैसे दे सकते हैं. जब भी आपको माइनर कट है, मीन्स छोटे से कट लगा है, तो उसको सबसे पहले वॉश करो विथ कूल वाटर. यानी कि गर्म पानी के साथ उसको वॉश कर दिया, नो, ठंडे पानी के साथ उसको वॉश करना चाहिए. और फिर उसके ऊपर एंटीसेप्टिक लोशन या क्रीम लगा दो. ओके. एंटीसेप्टिक लोशन मीन्स डेटोल, सेवलॉन, कोई भी, जो भी आपके घर में अवेलेबल होगा, या कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम आप यूज़ कर सकते हो उसके ऊपर. ओके. फर्स्ट एड फॉर बर्न्स. अगर कोई जल जाता है, तो जैसे गरम गरम कुछ यूटेंसिल आपको गरम गरम लग गया है, किचन में आप काम कर रहे थे, है ना, या आप मैच बॉक्स से खेल रहे हो तो उससे आपको बर्न हो गया है, तो कोई भी आपको छोटा सा बर्न होता है, तो उसको हमें सबसे पहले कूल वाटर के साथ वॉश करना चाहिए. एंड एन एंटीसेप्टिक लोशन शुड ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द बर्न. ओके. अगर सीरियस बर्न हो चुका है, बहुत ज़्यादा जल गया है, तो हमें सब फटाफट से डॉक्टर के पास चले जाना है. राइट. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड फॉर इंसेक्ट बाइट. अगर आपको कोई हनी बी, मतलब मधुमक्खी काट जाती है, या कोई भी बीज काट जाती है, कोई भी इंसेक्ट बाइट कर जाता है, तब आप क्या करोगे? उसके ऊपर आपने सबसे पहले आइस लगानी है. ठीक है, या आप उसके ऊपर बहुत ठंडा पानी डाल सकते हो. राइट. और फिर उसके बाद आपको उस पर कैलामाइन लोशन लगाना है. कैलामाइन लोशन क्या करेगा, जहाँ पर स्टिंग हुआ है, जहाँ पर उसने इंसेक्ट ने बाइट किया है, उस एरिया को सूथ करेगा, मतलब रिलैक्स करेगा, आपको पेन नहीं होगा. ठीक है, तो कैलामाइन लोशन हमें लगाना चाहिए. तो हमें अपने घर पे क्या क्या रखना चाहिए फर्स्ट एड के लिए? कॉटन बैंडेजेस, है ना, एंड बैंडेड और कैलामाइन लोशन. कैलामाइन लोशन कब हम यूज़ करेंगे? वेन एवर वी गॉट बाइट फ्रॉम एन इंसेक्ट. ओके. अच्छा, एंटीसेप्टिक लोशन कोई भी, डेटोल हो गया, सेवलॉन हो गया, एनीथिंग. और एंटीसेप्टिक क्रीम हमें घर पे रखनी चाहिए. ओके. तो ये थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको घर पे हमेशा अवेलेबल करानी चाहिए. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड व्हेन समवन फेंट. अगर कोई आपके सामने एकदम से बेहोश हो जाता है, गिर जाता है नीचे, तब आप क्या करोगे? सबसे पहले उस पर्सन को लाई डाउन कराओ, सीधा लेटाओ. ठीक है, द हेड शुड बी लोअर देन द बॉडी सो दैट ब्रेन गेट्स एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन. जस्ट लुक एट द पिक्चर. ठीक है, ऐसे आपने उसको लेटाना है. हेड जो है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, ताकि हेड के अंदर, ब्रेन के अंदर ब्लड सप्लाई ज़्यादा जाए और ऑक्सीजन की भी सप्लाई ज़्यादा हो. ओके.
देयर शुड बी अ गुड सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर. ऐसा होना चाहिए वहाँ पर फ्रेश एयर ज़्यादा आनी चाहिए, नहीं कि उसके आसपास इतने लोग खड़े हो गए तो उसको एयर तो कट ऑफ ही हो जाएगी, है ना. कॉल फॉर अ डॉक्टर इफ़ द पर्सन डज नॉट रिकवर्ड हिज और हर कॉन्शियसनेस सून. अगर उसको जल्दी से होश नहीं आता है तो फटाफट से डॉक्टर को कॉल करो. ओके, दिस वॉज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 7, कीपिंग सेफ. नाउ वी विल डू द असेसमेंट जोन. कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेज. टेक आउट योर पेंसिल्स, हरी अप. आई विल अपलोड ऑल द आंसर्स ऑन द पोर्टल, डोंट वरी. ओके, मोस्ट एक्सीडेंट्स हैपन व्हेन. कब होते हैं एक्सीडेंट्स? मैंने सबसे पहले ये चैप्टर में बताया था ना कि एक्सीडेंट्स किसकी वजह से होते हैं, हमारी केयरलेसनेस की वजह से. ठीक है, तो व्हाट विल बी द आंसर ऑफ इट? वी शो केयरलेसनेस. व्हेन वी शो केयरलेसनेस, जब हम लापरवाही करते हैं तब एक्सीडेंट्स होते हैं, राइट. नेक्स्ट इज फर्स्ट एड इज गिवन व्हेन. कब देते हो आप फर्स्ट एड? कभी भी दे देते हो? नो ना. व्हेन अ पर्सन इज इंजर्ड, जब कोई पर्सन इंजर्ड होता है देन वी विल गिव हिम फर्स्ट एड. बर्न्स शुड बी, सबसे पहले बर्न्स को क्या करना चाहिए? वॉश्ड विद कोल्ड वाटर. सबसे पहले हमें कोल्ड वाटर से उसको वॉश करना चाहिए, राइट. नेक्स्ट इज वियर ड्राई रबर स्लीपर्स वाइल. कब हमें ड्राई रबर स्लीपर्स पहनने चाहिए? जब आप किसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस को टच कर रहे हो. ओके, वाइल टचिंग एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस. ऑलवेज प्ले इन अ, हमें हमेशा कहाँ खेलना चाहिए? प्ले ग्राउंड में. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिलअप्स. डैश शुड ऑलवेज बी अप्लाइड ऑन द बर्न. बर्न के ऊपर हमें क्या लगाना है? एंटीसेप्टिक लोशन. व्हाट डू वी यूज? एंटीसेप्टिक लोशन. वी शुड यूज डैश टू क्रॉस द रोड. हमें रोड को क्रॉस करने के लिए क्या यूज़ करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग. क्या यूज़ करना चाहिए? ज़ेब्रा क्रॉसिंग. वेरी गुड. वी शुड नॉट डैश एनिमल्स इन अ ज़ू. हमें ज़ू में एनिमल्स को टीज नहीं करना चाहिए, छेड़ना नहीं चाहिए ना उनको, टीज नहीं करना चाहिए. नेक्स्ट इज वी शुड ऑलवेज वियर अ सीट बेल्ट वाइल ट्रैवलिंग इन अ कार. हमें कार में ट्रैवल करते हुए हमें हमेशा सीट बेल्ट पहननी चाहिए. In case of an insect bite, always apply which lotion? Calamine lotion. Calamine lotion हमें लगाना चाहिए. Okay? Next question is true or false. Form a circle of people around a person who has fainted. जो person faint हो चुका है, बेहोश हो चुका है, उसके पास हमें circle बना के खड़ा हो जाना चाहिए. इतने लोगों को उसके ऊपर खड़ा कर देना चाहिए. नहीं ना, उससे तो फ्रेश एयर कट ऑफ हो जाएगी, तो हमें तो उसको गुड सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर देनी है. सो दिस इज फॉल्स, दिस इज फॉल्स. नेक्स्ट इज इट इज नॉट सेफ टू शेयर पासवर्ड्स ऑन इंटरनेट. इंटरनेट पे अपने पासवर्ड सेफ नहीं है शेयर करने. इज इट ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. फॉलोइंग ट्रैफिक सिग्नल्स इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. अगर हम ट्रैफिक सिग्नल्स को फॉलो करते हैं, इट इज़ अ वेस्ट ऑफ टाइम. वेस्ट ऑफ टाइम होता है वो, नो ना. सो राइट डाउन फॉल्स. ट्रैफिक सिग्नल्स आर मेंट फॉर आर सेफ्टी. हमारी सेफ्टी के लिए ट्रैफिक सिग्नल्स बनाए गए हैं. ओके, नेक्स्ट इज मूव फास्ट ऑन स्कूल स्टेयर्स टू रीच द क्लास ऑन टाइम. क्लास में टाइम पे पहुंचने के लिए हमें स्टेयर्स पे भागना चाहिए. भागना चाहिए? यस, इट इज फॉल्स. ओके, लास्ट वन इज डू नॉट थ्रो इरेजर्स और पेंसिल्स एट ईच अदर. एक दूसरे पे हमें इरेजर्स और पेंसिल नहीं थ्रो करनी चाहिए. दिस इज ट्रू और फॉल्स? यस, इट इज ट्रू. ओके, सो नाउ question answers, I'll upload the answers to the questions on the portal. Kindly complete your notebooks and written work should be very neat. Okay, your handwriting should be very neat. Carefully write karo, aram se, acche se, and the questions that I will upload on the portal, only that questions you have to do. Okay, have a good day.